हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो आदित्य के स्कूल में एक एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट रखते रहते हैं, तो इसलिए उसका वहाँ टेस्ट एक होता है और घर में मेरी तरफ से एक टेस्ट होता है। इसलिए मैं उसको क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा प्रैक्टिस करे, क्योंकि याद करना अलग होता है और लिख के प्रैक्टिस करने से अच्छी तरह याद रहता है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर कुछ होती भी है तो जब मैं उसको दोबारा लिखने के लिए देती हूँ तो वो परमानेंटली याद रह जाती है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ और उसके बाद आदित्य को कंप्लीट करने के लिए दे दूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी अगली सुबह हो चुकी है। सुबह मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, थोड़ा 7 के 8 के आसपास ही है टाइम। तो सुबह सुबह जो है देसी चिकन मंगाया, क्योंकि आज जो है संडे है। और अभी मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी पहले, और जब तक ऑयल गर्म होता है उसी गैप में जो है, क्योंकि ये कटर है इसलिए बहुत जल्दी कट जाते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने करीबन 5 प्याज लिए हैं, कुछ छोटे थे इसलिए 5 लिए, अगर बड़े हैं तो 3 ही काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है एंड सारे एकदम इक्वल साइज़ में कटते हैं, तो बहुत ही जल्दी भी पक जाते हैं और सब बराबर पकते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ कच्चा रह गया और कोई एक आध पीस, ऐसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको अच्छी तरह मिला दूँगी। एंड वीडियो शूट करते करते कभी कभी ये होता है कि मैं शूट करना भूल जाती हूँ कि कहाँ तक किया था, क्योंकि कंटिन्यूस में रख नहीं सकते हैं, चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने चिकन के पीसेस भी डाल दिए और नीचे जो है थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके साथ सबको एक साथ पीस लिया था, दालचीनी, जीरा, धनिया, वो सब पीस लिया। उसको मिलाने के बाद थोड़ी देर ढक्कन लगाया और जब चिकन का पानी ऊपर आ गया तब मैंने नमक, मिर्ची और हल्दी डाल दिया। तो मसाले मैंने ऑलरेडी साथ में जिंजर गार्लिक के साथ ही पीस लिए थे, क्योंकि अलग से एक्चुअली टाइम हो रहा था इसलिए, तो अलग से पीसने से वो पिसता नहीं है मिक्सी जार में, इसे सब कुछ एक साथ पीस लिया। और यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी एंड करीबन 4 से 5 विजल आएगी तो काफ़ी है। ये क्योंकि देसी चिकन है तो आप एक आध विजल और ज़्यादा दे सकते हैं, अदरवाइज सफिशिएंट हो जाता है। सो, मेरी चिकन करी बन गई, लेकिन मैं रेसिपी पूरा बनने के बाद दिखा नहीं पाई क्योंकि गेस्ट आ गए थे घर में। ये अभी शाम का टाइम है एंड शाम के टाइम पे ये आपको मैं एक्वेरियम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि किसी ने बोला था मुझे कि आपका एक्वेरियम ऐसा लग रहा है कि जैसे घर है लेकिन उसमें फर्नीचर नहीं है। तो ये पुरानी वाली फ़िशेस है जो इतनी एक्टिव थी, देखो कितना स्पीड स्पीड इधर घूम रही हैं। तो हमने सोचा कुछ नई फ़िशेस डालते हैं घर के, लेकिन फ़िशेस की भी जो है अनबन चलती रहती है, न्यू कैटेगरी ऑफ फ़िशेस की जो है दूसरे फ़िशेस के साथ बनती नहीं है। तो हमने ये फ़िशेस डाली, ये मोटू मोटू सी फ़िशेस है, एकदम उतना स्पीड नहीं घूमती हैं जैसे ये पहले वाली घूमती थी। तो पहले इन्हीं फिशों, जो पुराने वाली फ़िशेस थी उनके साथ में इनको डाल दिया था, लेकिन पुरानी वाली फ़िशेस ने सोचा कि ये हमारा एरिया, ये लोग कैसे आ गए करके, आके इन वाली फ़िशेस को, ये मोटू मोटू फ़िशेस को आके आँख पे मार रही थी और पीछे जो है इनकी जो विंग्स है उसको काट रही थी। तो मतलब अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फ़िशेस को वो मार देते हैं। जो दूसरी कैटेगरी की कुछ फ़ाइटर फ़िशेस होती हैं जो एक एक ग्लास में रखते हैं, उनकी एक दूसरे के साथ भी पड़ती नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको, जब भी आप एक्वेरियम यूज़ करते हैं, बहुत सोच समझ के जो है फ़िशेस को डिसाइड करके डालना पड़ता है, अदरवाइज़ मर जाती हैं फ़िशेस एक दूसरे से झगड़ा कर करके। तो अभी जो है ये एक्चुअली टीवी के पीछे जो है HD वायर, जब हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, इलेक्ट्रिशियन को बोला था सारे वायर खींचने के लिए, उसने जो है खींचा नहीं। उसकी वजह से जब टीवी चलता है, नॉर्मल टीवी चलता है जब, तो उसमें थोड़े से जैसे मच्छर टाइप, मतलब क्लैरिटी तो है लेकिन थोड़ा बहुत मिस हो रहा था करके। HD वायर खींचने के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन अंदर से इलेक्ट्रिशियन ने जो है घपला कर दिया, ठीक से वायरिंग करी नहीं। तो बहुत कोशिश करी इन लोगों ने कि वायर निकालें, एक्चुअली स्प्रिंग से निकालते हैं, पर वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:15 एंड वी आर गोइंग टू मूवी। आदित्य यहीं से चला रहा है, मुझे पता नहीं था इन्होंने बुक करके रखी है,
मैंने इनको ऑलरेडी पहले खाना वाना खिला के रख दिया था एंड हमने भी थोड़ा सा खा लिया है, तो अभी हम चलते हैं मूवी के लिए। कौन सी मूवी कुछ बोला था इन्होंने, तेलुगु मूवी है कलंक टाइप कुछ नाम है उसका, हिंदी मूवी जो आई है ना कलंक उस टाइप का कुछ नाम है, क्या नाम है बाद में बताती हूँ नाम आपको। और शाम को खूब बारिश हुई है, उसकी वजह से पूरा पानी पानी आ रखा है यहाँ पे। सो फाइनली हम गड्डी में बैठ चुके हैं एंड अभिषेक तेरा आज इसको इसी एक्ट ये पहले हाई करे जा रहे तो इसको जो अवार्ड में जा रहा है। अयो मत घट गया कुछ वाले पटको नहीं। सो स्पीड के हेलन ने तो ये जो अवार्ड फंक्शन में टी शर्ट पहनाई थी उसके साथ मैंने सोची थी निक्कर पहना दे, क्योंकि कैसे भी गर्मी का मौसम है तो जितना ज़्यादा फ्री स्टाइल में रहेंगे उतना बेटर है करके। लेकिन ये कहीं बाहर जाता है तो आजकल पैंट ही पहनाने के लिए बोलता है, इसको संभव आई कन्विंस्ड हिम कि भैया नहीं आज निक्कर ही पहनना है, तो इसके साथ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, जीन्स पैंट के अलावा यही अच्छी लग रही है। अभिषेक से हाय, से सिनेमा के हेल्थ ना मन चेपो सिनेमा के हेल्थ ना हेलो। तो मूवी समाप्त और अभी हम घर जा रहे हैं। मूवी डिफरेंट थी, मेरे हस्बैंड को तो अच्छी लगी, मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब बोरिंग तो नहीं थी बट सस्पेंस में चल रही थी, तो रेटिंग तो अच्छा है बट मे बी देखने का सबका नज़रिया अलग होगा। तो अभी चलिए बस घर जाके सोना है, बस कल सुबह मिलते हैं, चलो गुड नाइट अभी के लिए। सो अगेन गुड मॉर्निंग, देख लीजिए मैंने कितनी सारी मॉर्निंग कवर कर ली एक व्लॉग में। जब भी मैं कभी रेगुलरली व्लॉग डालती नहीं हूँ तो मुझे व्लॉग मेरे खुद के बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शूट करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन हर एक दिन पोस्ट करने में जो है कंटेंट बहुत सोचना पड़ता है और सोच सोच के करना पड़ता है। रोज़ एक ही चीज़ दिखाएंगे तो भी बोर हो जाएंगे। अगर आपको वैसे भी चलता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, रोज़ ही चाहिए आपको तो मैं कोशिश करूँगी उसके लिए भी। आई वॉन्टेड कि अभी हम एक स्टेज पे आ चुके हैं जब हमारे एक रेंज तक सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट में क्वालिटी में सब में थोड़ा चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं वही होता रहे। तो सुबह सुबह जो है मैंने दूध चढ़ा दिया है एंड चाय बन चुकी है एंड अभी हस्बैंड को ऑफिस जाना है आज, जैसे मैंने बताया था कि आदित्य का स्कूल नहीं है तो मेरे बछड़े दोनों अभी सो रहे हैं तो इनको जल्दी जाना था। सडनली एकदम मेरे को शॉक देते रहते हैं, अरे भैया आधे घंटे में जाना है करके। मैंने सोचा चलो आदित्य का स्कूल नहीं है ना आज तो खाना थोड़ा रिलैक्स करके रिलैक्स होके बनाएंगे, लेकिन इन्होंने झटका दिया और मैं भाग के आई किचन में फटाफट खाना बनाने के लिए। तो यहाँ दाल मैंने धो ली है एंड ये अंबाड़े के पत्ते हैं जो खट्टे रहते हैं तो दाल में डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और अदरवाइज इसकी चटनी भी बनाने से काफ़ी अच्छी लगती है, गरम गरम चावल के साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इनके पत्ते निकालने में बड़ा टाइम लग जाता है इसलिए बहुत कम खरीदती हूँ मैं ये। अगर कभी मेड वेड होती हैं तब मैं क्या करती हूँ, जब ज़्यादा अगर ले लिया तो एक ही बार पूरा कट करवा के फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन कल ही लिया था सुबह सुबह, और बाकी भी लीफी वेजिटेबल्स लिए थे तो कुछ बना दिए, मैं चलो अभी ये बनाते हैं दाल में डाल के। तो मैंने पूरे पत्ते निकाल लिए, दो गठली ली है मैंने एंड मिर्चियाँ भी ले ली हैं, और इसको अभी पत्ते वाली सब्जियों को बहुत अच्छी तरह धोना पड़ता है, अगर प्रॉपरली धोया नहीं है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है, बाद में वो दांतों के नीचे गसगस लगती रहती है, इसलिए मैंने दो तीन बारी जो है पानी में अच्छी तरह पत्तों को धो लिया, और धोने के बाद मैं उनको अभी जो साइड में आपको कुकर दिख रहा है उसमें ऐड कर दूँगी। तो
तो दो मिर्ची जो है मैंने दाल में डाल दी है एंड दो मिर्ची दूसरा मैं फ्राई बनाऊंगी उसमें डालूंगी। तो ये देखिए पत्ते मैंने इसमें डाल चुके हैं एंड कुछ लोग जो है नमक बाद में डालते हैं और बाकी मतलब दाल बनाने का सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है। मैं सब कुछ पहले ही ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है, ओनली प्याज ऐड, क्योंकि ऑलरेडी खट्टा रहता है तो, और इसमें मैं थोड़ी सी इमली भी ऐड करूँगी एंड एक छोटा सा प्याज डाला है फ्लेवर के लिए एंड दो मिर्ची एंड उसके अलावा नमक मिर्ची एंड हल्दी मैं भी ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी इमली भी। तो इमली ऐड करेंगे तो आपको टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमली भी नहीं ऐड कर रहे हैं तो टमाटर आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ एक अलग टेस्ट आता है, कभी ट्राई कीजिएगा जब आप बनाएंगे, अगर आपके यहाँ मिलती है ये अंबाड़े के पत्ते अवेलेबल है तो। तो मैंने नमक मिर्ची हल्दी तीनों डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें थोड़ा सा तेल भी डालूंगी। तेल डालना ऊपर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तेल नहीं डालोगे, क्योंकि पानी ज़्यादा डालते हैं हम लोग दाल में, तो ऊपर से जो है फिर उसके जैसी विजल आती है तो पानी जो है पूरा ऊपर से स्प्रे होता रहता है, लेकिन तेल डालने से वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तेल जो है उसके छेद को ब्लॉक करके पानी को ऊपर आने नहीं देता है। तो यहाँ पे मैंने पहले दाल चढ़ा दी है एंड अभी साइड में दूध निकाल के रख दिया, ढक्कन लगा दिया उसका एंड अभी मुझे फ्राई रखना है फटाफट। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे दाल काफ़ी है और अचार दे देना साथ में, लेकिन अचार वाला कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि फ्राई बेटर है, थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भिंडी फ्राई बनाने वाली हूँ। तो अलग से मैंने रेसिपी बनने के बाद तो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हो नहीं पाया, बच्चे बाद में उठ चुके थे तो मुझे भागना पड़ा फिर उन दोनों के लिए। तो यहाँ पे मेरी जो रेसिपीज़ है लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से फास्ट फूड बना देती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं करती भैया चॉपिंग बोर्ड लिया फिर काटा फिर ऐसे ऐसे, मेरा नहीं चलता है। तो मैंने देखिए पैन रखा है और ओनली जो भिंडी है उसका ऊपर का नीचे का टेल एंड ऊपर की जो मुंडी होती है वो काट के रख दी है एंड मैं डायरेक्टली जो है तेल गरम नहीं है, धीरे धीरे गरम हो रहा है सिम में ही है तभी पूरा काट के उसमें खड़े खड़े ऐसे डाल देती हूँ, तो बहुत क्विक हो जाता है। मैं सब्ज़ी काटने में बिल्कुल टाइम नहीं लेती हूँ, कटर से काट देती हूँ नहीं तो ऐसे डायरेक्ट काट देती हूँ, बहुत जल्दी बन जाती है। इसलिए ये पूरा खाना आधे घंटे में पूरा मैंने बना दिया, दाल भी बन गई एंड ये भी बन गया एंड उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट भी दे दिया था जो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हरी भरी हो गया था सिचुएशन। क्योंकि बोले थे टाइम हो रहा है तो मैंने डोसे डाले थे एंड चटनी बनाई थी एंड उसके बाद इनको बॉक्स पैक करके दे दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो कड़ची है जिससे हिलाते हैं उसको मैं नीचे नहीं रखती हूँ, उससे प्लेटफॉर्म जो है ग्रीजी हो जाता है, हमेशा उसको एक कटोरे में रखती हूँ। मैंने एक और एक ऑनलाइन परचेज़ किया है, अभी तक फ़िट नहीं किया है, जब मैं फ़िट करूँगी वो भी दिखाऊँगी। तो पहले आप जब भिंडी फ्राई करें जब तक उसका जो ग्रीजीनेस है चले नहीं जाता तब तक आप उसमें नमक मिर्ची हल्दी कुछ भी ऐड ना करें। तो यहाँ पे जैसे ही उसका ग्रीजीनेस चले गया तो मैंने इसमें नमक मिर्ची हल्दी ऐड कर दिया और आपको इसको ओपन ही पकाना है, अगर आप ढक्कन लगा देंगे ना तो वो ग्रीजीनेस जाएगा नहीं। तो यहाँ पे दाल का तड़का लग चुका है एंड मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं और वो भागा दौड़ी से। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया बैठी में, उसके बाद जो है अभी मैं पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ बेडरूम, बच्चे भी उठ गए हैं तो उनको भी नहला दिया है मैंने दोनों को एंड दोनों जो है हॉल में बैठे हैं, हॉल में नहीं है सॉरी बाथरूम में है, नहलाना है मुझे, नहला दिया सोच रही थी, यही होता है वॉइस ओवर में कभी कभी सिचुएशन क्या चल रही है भूल जाते हैं। तो मैंने बोला चलो बेड ठीक कर लेते हैं, बाथरूम में जाके ब्रश करो, दोनों को एक साथ भेजा है एंड इसी दौरान मैंने बेड ठीक कर लिया और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, मैंने बोला चलो सुखा लेते हैं एंड जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उन चीज़ों को उधर प्लेस कर दिया। एंड यहाँ पे पूरा मेरा काम ख़त्म होता है, किचन का, बेडरूम्स का, हर जगह, अभी घर पूरा टिप टॉप है तो मुझे ऐसे नीट एंड क्लीन ही पसंद है। जब तक ये ऐसे नहीं रहता है तो मन में जो है एक हलचल मची रहती है कि ये करना है वो करना है। तो थोड़े बहुत बर्तन थे बड़े वाले वो मैंने धो दिए हैं एंड हॉल में भी लोग पिल्लो उठा उठा के कहीं फेंक रखे थे वो सब भी अरेंज कर दिए मैंने। सो, ये था मेरा सुबह का क्लीनिंग रूटीन जो ख़त्म हो चुका है। चलिए अब आपसे जो खुशखबरी है वो भी शेयर कर लेते हैं, मिलती हूँ।
एवरीवन, तो सारे काम ख़त्म और लंच करने के बाद मैं हाज़िर हुई हूँ थोड़ा आपसे बात करने के लिए। तो जैसे कि थंबनेल को देख के आपको आइडिया आ ही रहा होगा कि क्या है, एक बार फिर से हम लोगों ने न्यूज़पेपर में अपनी थोड़ी सी जगह बना ली है, जिसमें लिखा था कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने यूट्यूब कब शुरू किया, कैसे किया, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सब मैं आपको एक पिक्चर साइड में ऐड कर दूँगी या तो एंड में ऐड कर दूँगी उसको। जो तेलुगु लैंग्वेज वाले हैं वो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो लोकल न्यूज़पेपर जो होता है, लोकल मतलब एक्चुअली ईनाडू जो होता है, ईटीवी जो आता है अपने हर एक लैंग्वेज में ईटीवी करके आता है, वैसे ईनाडू न्यूज़पेपर होता है, तो वो बहुत ही नोन न्यूज़पेपर में जो है आया था, इससे पहले आंध्र ज्योति में एक बार आया था। तो इट गिव्स अ वेरी यू नो पॉजिटिव फीलिंग या मोटिवेटिव फीलिंग कि न्यूज़पेपर में आ रहा है, और बहुत सारे लोगों ने जो है न्यूज़पेपर में देखने के बाद जो मतलब मुझे जानते थे, नॉट ओनली यूट्यूबर्स, यूट्यूबर्स के अलावा जो ऐसे थोड़े फ्रेंड्स थे जो इनके जान पहचान के थे, उन सब ने फ़ोन भी किया कि ये आप ही हो ना जिनका आया है करके। तो मैं फ़ोटो जब डालूँगी तो आप देख लेना, उसमें लिखा यही है कि एक्चुअली मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो तेलुगु में लिखा होगा, जो तेलुगु पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ ही सकते हैं, तो मैं उसका थोड़ा जो है ट्रांसलेशन भी कर देती हूँ। उसमें ये लिखा था कि स्वाति जो जिनके डैडी जो है आर्मी में थे, इसकी वजह से उनकी ग्रिप जो है हिंदी में बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने हिंदी में चैनल स्टार्ट किया, ऑल दो वो रह रहे हैं अभी विजयवाड़ा में है, एंड उनके जो है उनके दो चैनल्स है, एक तेलुगु में है एक ये है। तेलुगु जो है पब्लिक डिमांड पे उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, तो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने वो भी ओपन किया। उसके अलावा मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स किया है। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे एक्चुअली ये जो भी इन्होंने छापा है उससे पहले इंटरव्यू लिया था टेलीफोन में ही, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जो उसका आंसर मैं देते गए, तो उन्होंने एक जो है उसके हिसाब से आर्टिकल बना लिया। तो उन्होंने पूछा कि शुरू कैसे किया, तो जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैं कभी भी खाली नहीं बैठ सकती हूँ, मैं और मेरे पापा बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ सकते, तो दो तीन इंटरव्यू मैंने दिए तो सारे क्लियर हो गए थे, उसमें से मैंने चूज़ किया कौन सा बेटर है, तो मैंने फैक्सेट को सेलेक्ट किया जो गचीबौली में है, उसमें मैं काम करती थी, उसमें करीबन मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद जो है मेरी शादी फिक्स हो गई, शादी फिक्स होने के बाद जो है, अगर मैं हैदराबाद में शादी फिक्स होती, मेरे पतिदेव उधर के ही रहने वाले होते, मतलब डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया जैसे, तो तब तो मेरे को जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे यहाँ पे आना था शादी करके, यहाँ पे घर बसाना था, यहाँ पे फैमिली को जो है जो भी था वो सब करना था, इसलिए मैंने जॉब को जो है रेजिग्नेशन मुझे देना पड़ा। शादी से 10 दिन पहले मैंने रिज़ाइन किया था, मैं बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं जॉब छोड़ूँ करके, बिकॉज मैं उस टाइम पे एक और कंपनी की तरफ से मेरे को एक फॉरेन ट्रिप भी आने वाला था, जिसमें मतलब एज अ ट्रेनर मुझे दूसरे कंट्री में भेजने वाले थे, तो बिकॉज ऑफ शादी एंड ऑल उस टाइम पे मुझे छोड़ना पड़ा। तो सिचुएशन ऐसी थी कि यू नो दोनों लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शादी उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही क्रूशियल थी, मेरे लिए इतना नहीं था, तो मैं तो था कि भैया थोड़ा बाद में करते, लेकिन सब कुछ मुहूर्त वहूर्त पहले ही फिक्स हो चुके थे, तो मेरे पास भी कोई चारा नहीं था तब। तो उस टाइम पे जो है मैंने बड़े ही भारी दिल से जो है जॉब को छोड़ा, एंड अभी तो देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है, शादी हो गई फिर मैं इधर आ गई। इधर आने के बाद एकदम मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता था, मैं सुबह जो है 6 बजे उठती थी एंड 7 बजे तक हमारी कैब आ जाती थी और हम चलते बनते थे, एंड रात को घर आते आते 9 बजे, एक्चुअली 6:30 बजे ऑफिस ख़त्म हो जाता था, लेकिन ट्रैफिक इतना रहता था कि घर आते आते 9, कभी 9:30 बज जाते थे, तो इतना बिजी शेड्यूल था कि टाइम ही नहीं मिलता था, एंड इतने बिजी शेड्यूल के बाद इतना फ्री टाइम मिल गया मुझे कि मुझे समझ नहीं आया, मैं मतलब बैठे बैठे ऐसे पागल होती रहती थी कि क्या करें क्या करें। इस तरह से जब मैं बैठे बैठे बोर होती रहती थी तो मैंने जो है यूट्यूब देखना शुरू किया, एंड यूट्यूब भी तब इतना ज़्यादा नेट भी नहीं आता था, थोड़ी देर देखती ख़त्म हो जाता। तो ये सारी कहानी जो है जिन्होंने मुझे फ़ोन करके जो भी सवाल पूछे थे, तो मैंने ये पूरी राम कहानी सुना डाली, बिकॉज अभी हम 2 लाइन बोलेंगे तो उसमें से उनको आर्टिकल लिखना है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा बड़ा बताएंगे, मतलब जो भी अपनी कहानी है डिटेल में बताएंगे तो उसमें से दे'ल टेक फ्यू लाइन्स जो भी इंपॉर्टेंट उनको लगती है, तो वही सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इनके जो हस्बैंड है वो सर्कल इंस्पेक्टर है, अभी विजयवाड़ा में ही जो है सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं। इस तरह से जो है इनकी ये जो जर्नी है इस तरह से स्टार्ट हुई थी, वही सब कुछ, तो ये सब कुछ जो है उन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया था, तो मैं एक फ़ोटो ऐड कर दूंगी। एंड दूसरी एक चीज़ जो मुझे सपना जो सब्सक्राइबर थी उन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए एक ये चेन टाइप से दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखो कितनी अच्छी है ये,
लुक ही बढ़ गया इसको ऐसे लगा के, है ना। सो थैंक यू सो मच सपना गारू, थैंक यू सो मच। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, चमक रहा है पूरा। सो आई रियली लव्ड इट। सो ये उनकी तरफ से गिफ्ट था। एंड ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले थे वहाँ पे जो बड़े ही प्यार से मिलने के लिए आए थे, तो थैंक यू सबको जो भी अपना टाइम निकाल के मिलने के लिए आए। एंड कुछ ग्लिम्सेस थी मैं सोच रही थी ऐड करूँ और भी थी, वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रह गए क्योंकि उस दिन मेरा फ़ोन जो है टूट गया था नीचे गिर के, तो ठीक से वीडियो निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने उनके वीडियो में उनके फ़ोन में शूट किया था तो वो उसी में रह गया। बाकी जो इसमें था वो मैंने ट्रांसफ़र करके लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके एडिट करके डाल दिया, लेकिन इनका जो है ये ऑफिस लेके चल जाते थे, फिर वहाँ से फिर भेजना मुश्किल था करके, फिर मैंने पूछा ही नहीं। एंड घर में रहते थे तो मुझे याद ही नहीं रहता था। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगा होगा आपको, एंड कीप सपोर्टिंग मी ताकि हम दिन ब दिन प्रगति करते रहें, कभी न्यूज़पेपर में, कभी टीवी में, कभी कहीं ना कहीं आते रहें। तो चिपकाओ, बांटो एंड घंटी बजाओ ऑल ऑप्शन के साथ। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम, तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558। तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन, तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीज़, ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सो डाउनलोड नाउ एंड एन्जॉय योर अर्निंग्स।